उत्तर प्रदेश की कांग्रेस पार्टी ने कुछ दिन पहले एक बड़ा ऐलान किया था, जिसमें उन्होंने खवातीन को 40% टिकट देने की बात की थी। आज संभल असेंबली की खातून ने कांग्रेस पार्टी को दावा पेश किया। देखिए खातून का क्या कहना है। उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन उससे पहले आपको एक सुविधा देना चाहूँगा। ऐसा लगता है कोरोना का दौर भी दोबारा से शुरू हो गया है, इसलिए मास्क लगा के रखें, पूरी तरीके से नाक पे अपने और मास्क का पूरा पूरा प्रयोग करें। जी हाँ, आज हम पहुँचे हैं सारे गांव करकर, आज हम पहुँचे हैं संभल विधानसभा 33, जहाँ एक महिला दावेदार से हमारी मुलाकात हुई। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोभना सैमुअल है, जिला संभल विधानसभा 33। मैम, किस पार्टी से चुनाव? मैं कांग्रेस पार्टी से यहाँ की उम्मीदवार हूँ। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मेरा मुद्दा सबसे पहले है तो मैं लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ। ये प्रियंका जी का जो नारा है उसको सशक्त करना चाहती हूँ, और इस संभल विधानसभा क्षेत्र के लिए सबसे पहले मैं लड़कियों के लिए शिक्षा का प्रबंध करना चाहती हूँ। जो उच्च स्तरीय शिक्षा है, जो यहाँ सबसे बड़ी कमी है, उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूँगी कि इस क्षेत्र में शिक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा योगदान हो और साक्षरता यहाँ 100% हो। अगर बात की जाए यहाँ के रोटों की, क्या मान दिए कितना कार्य हुआ 5 वर्ष में? अब तक जो काम तो मुझे नहीं दिखता, 5 साल में संभल में तो कोई काम नहीं हुआ, केवल चुनावी जुमले ही रहे। लेकिन पब्लिक त्राही त्राही करती है हर एक जातियों में, ऐसा नहीं है कि केवल जो नॉन पार्टी हैं वो ही करें। अपने पार्टी के लोग भी अब इस बात पर उतारू हैं कि कोई काम नहीं हुआ, विकास का कोई काम नहीं हुआ, और आगे भी यही सोचने पर लोग मजबूर हैं कि इस तरह से बदलाव आना चाहिए। अच्छा, अगर आपकी संस्था आती है, कांग्रेस अगर आती है यहाँ पर, जो है शिक्षा के लिए, आप सबसे पहले शिक्षा के लिए क्या कर पाएंगे? मैं यहाँ सबसे पहले शिक्षा के लिए सुनिश्चित तौर पर, महाविद्यालय हैं लेकिन उस तरह के महाविद्यालय को मैं चाहती हूँ कि यहाँ लड़कियों की सुरक्षा और शिक्षा एक अलग तरीके से पहचाने। मेरा प्रियंका जी के बारे में क्या सोचती हैं? मैं अकेले लड़ सकती हूँ। बेटा आप क्या सोचती हैं? मैं लड़की, मैं अपने लड़ सकती हूँ। अगर प्रियंका जी आई तो क्या उम्मीद करेंगी कि अगर अगर सरकार आती है कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में, क्या उम्मीदें करेंगी, क्या कमी है आपके क्षेत्रों में? कितने होंगे संभल के और उसके अलावा? संभल में सबसे पहले शिक्षा का स्तर बहुत निचले स्थान पर है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी यूनिवर्सिटी संभल के अंदर अभी तक नहीं है, जिसमें सरकारें अभी तक नहीं है। सबने चुनाव में वादे किए कि हम संभल को ये देंगे वो देंगे, और कोई भी सरकार अभी तक अपने वादे पे खड़ी नहीं उतरी। हम चाहते हैं कि संभल में सबसे पहले एजुकेशन के लिए यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। संभल में अगर हम बात करें तो जिला अस्पताल तो हमारे पास है, मगर यहाँ पे कोई ब्लड बैंक नहीं है, एक ही प्राइवेट ब्लड बैंक है, जहाँ का चार्जेस भी बहुत महंगा जाता है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम चाहेंगे कि जो भी आने वाले वक्त में आए तो हमारी कमियों को सुधार हो सके। और दूसरी बात यह है कि सरकार नौजवानों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत क्या है? यहाँ पर रोजगार की कमी है, क्योंकि यहाँ पर कोई बड़ी फैक्ट्री, बस 3-4 ही फैक्ट्रीज हैं, उसमें भी बाहर के ही लेबर काम करते हैं। यहाँ के लोगों के लिए लेबर का मतलब रोजगार का सबसे ज़्यादा कमी है, तो हम चाहते हैं कि लोगों को नौकरियाँ मिलनी चाहिए, एजुकेशन का स्तर बढ़ना चाहिए, जो भी संभल की और भी बहुत सारी समस्याएँ हैं। अच्छा, बात की है किसानों के, यहाँ आसपास किसान बहुत हैं, और किसानों को लेकर क्या सोच रहे हैं? किसानों के लिए सब्सिडी वगैरह भी मिलनी चाहिए और खाद भी नहीं मिलता है, खाद की जब तक इन सरकार का कहना है मोदी जी का कि किसानों के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, उन्होंने 6,000 रुपये ये दिए कि गाँव गाँव में शौचालय बनाए गए, तो इसके अलावा तो क्या मानते हैं? ना, काम तो हुआ है और सम्मान निधि भी मिल गई है। अच्छा मैम, बात की जाए अगर संभल के और मुद्दों को लेकर, के काफ़ी मुद्दे हैं, पानी का मुद्दा है, तो संभल का, कभी हम किसी क्षेत्र में जाते हैं तो हमें मालूम चलता है कि गंदा पानी आ रहा है, तो अगर आप विधायक बनती हैं मुझे मिलने के बाद, तो क्या करेंगी पानी के लिए? पानी के लिए देखिए, जहाँ पर इतने व्यापक रूप से लोगों ने अपने अपने घर में समर सेविल का इस्तेमाल किया है, मैं ये चाहूँगी कि समर सेविल कम से कम हो, ज़्यादातर नल हैंड पाइप लगें ताकि लोगों को स्वच्छ पानी मिल सके।
सबसे पहला काम। और शौचालय की यहाँ बहुत कमी है, महिलाएं देखती हैं अगर रास्ते में जाती हैं या उनको ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पर वो उस तरह के शौचालय नहीं है कि वो आराम से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें और अच्छी तरह से निर्भर हो। जी हाँ, अब नया गांव, नया शहर, इसी समय आपसे मुलाकात होगी। हाईटेक टीवी, हसनपुर अली, संभल।